साथियों नमस्कार। अभी लगातार तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि एनपीएस में सुधार किया जा रहा है और ये हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये निश्चित रूप से आपके आंदोलन एनएमओपीएस के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष एनपीएस में सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। और सरकार से मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनकी भावनाओं को समझें और उनके बुढ़ापे की लाठी हूबहू ओपीएस लागू करें। संशोधन एनपीएस, मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, एक डस्टबिन है और डस्टबिन में जो भी चीज़ डाला जाएगा वो कूड़ा ही होगा और हमें कूड़ा नहीं चाहिए। हमने 20 साल 25 साल 30 साल समाज की, देश की, विभाग की सेवाएं की हैं और हम लास्ट में जाएं तो किस और भरोसे हम अपनी वो इंतज़ार करें कि हमारा कोई बुढ़ापा आके काट देगा, तो ये ठीक नहीं है। ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ये उल्टी भावना फैलाई जा रही है। हम कहते हैं इस देश में सेना के लिए पैसा नहीं तो अग्निवीर आपने ला दिया, इस देश में आप पैसा नहीं है तो आपने न्यू पेंशन व्यवस्था ला दिया। सारी कटौती ये कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए ही क्यों होती है, नौजवानों के लिए क्यों होती है? क्या इस देश में करोड़ों की रैलियाँ नहीं हो रही हैं? क्या इस देश में हजारों करोड़ों के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में हजारों हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो रहा है? क्या इस देश में हजारों हजारों करोड़ माफीनामा उद्योगपतियों के नहीं हो रहे हैं? फिर कहाँ से पैसा आ जाता है? तो सवाल पैसे का नहीं, मैं बार बार कहा, ये नियति का सवाल है। और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप संशोधन में ना पढ़ें, आप हूबहू पेंशन लागू करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ओपीएस ही राष्ट्रहित में है, क्योंकि हमारा 10% सरकार का 14% 24% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं और रिटर्न में क्या कर्मचारियों को मिल रहा है आज बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तमाम अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस माया जाल में ना फंसिएगा। अभी जब सरकार जो बातें कर रही संशोधन में, संशोधन कुछ होगा बताया, कुछ जाएगा कुछ नहीं, एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा। जो सरकार या जो पैरोकार एनपीएस में संशोधन की बात करें, ध्यान रखना, आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। वो चाहे सरकार के भाग हों और चाहे तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं जो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो एनपीएस की विशेषताएं पहले भी गाते थे, अभी फिर सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के समय किसी का पता नहीं था, चुनाव के समय वही सरकार जो ओपीएस बंद की है, वही सरकार जो कर्मचारियों के हितों का कुठाराघात कर रही है, वही सरकार जो शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रही है, उसी के साथ खड़े आए। तो तमाम उन नकाबपोशों को भी पहचानना है कि क्या चुनाव के समय वो लोग कहाँ थे, आज अचानक कहाँ से फिर प्रकट हो गए हैं। और जो खुद ओपीएस ले रहे हों, वो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हों, इससे बेहतर है कोई खुद नहीं क्यों लेते हैं, एक नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा है। मित्रों, भ्रम नहीं होना है, एनएमओपीएस पूरे देश में कन्याकुमारी से काश्मीर तक की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, पूरी ताकत पूरी हिम्मत के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, हम एक दिन जंग जरूर जीतेंगे, ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप धोखे में नहीं आइएगा, आप धोखे में नहीं रहिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तमाम तरह के विज्ञापन, अभी तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग बताएंगे ये अच्छा है वो अच्छा है, जो आपको ये बताए कि अच्छा है उससे आप बड़ी विनम्रता से कहिए आप ही ले लीजिए। जब ये बात आप उनसे कहते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो न सरकार के धोखे में रहना है, न तमाम जो सरकारी और दरबारी लोग हैं जो पैरोकारी में लगे हैं उनके रहना है। मेरा निवेदन है, 1 करोड़ लोग अपनी आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को जगाइए और ओपीएस बुढ़ापे की लाठी, उसके लिए संघर्ष करिए, एनएमओपीएस का साथ दीजिए। आप गलत फहमी में रहिएगा, एनपीएस एनपीएस झुंझुना है झुंझुना है, उसमें कुछ भी हो जाए वो आपके काम नहीं आएगी। ओपीएस अमृत है और अमृत के लिए हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, जितना संघर्ष करना हो करेंगे, लेकिन अमृत रूपी ओपीएस लेकर ही रहेंगे और आने वाले समय में
और बड़ा संघर्ष और बड़ा आंदोलन होगा। आप NMOPS और तमाम सहयोगी संगठनों का साथ दीजिए, हम लड़ाई जीतेंगे। आप तमाम तरह के छद्म लोग आपके बीच में आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को रैली याद है आप सबको, इस देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई NMOPS के बैनर तले चल रही है, उसी के साथ लामबंद होना है, उसी के साथ खड़े होना है, इधर उधर भटकना नहीं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन असली जो लड़ाई शुरू हुई NMOPS और अंजाब में पहुंचाएगा NMOPS। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बजट से सरकारी कर्मचारियों की काफी उम्मीद है। बजट में सरकार कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है या फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। साथ ही बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों के मिलने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। संभावना यह है कि अगर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाएगा तो आने वाले महीने में सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन 26,000 रुपए हो सकता है। कर्मचारियों का कहना था कि OPS से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी है कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी। और ये कांग्रेस के पाप और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अब वित्त मंत्री के बजट में पिटारा में कर्मचारियों के लिए क्या कुछ खबरी आएगी, तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आज मैं लेके आया हूं। इस वीडियो को कर्मचारियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश होने वाला है पूर्णतः। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए जो कर्मचारियों का संघर्ष है, कर्मचारियों का हक और अधिकार की लड़ाई है, क्या वो कर्मचारी जीत पाएंगे? क्या कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन मिलेगा या फिर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? दोस्तों तीन ही विषयों पर आज का वीडियो है। और दोस्तों हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए बजट होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्थशास्त्रियों के बीच एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जिसमें अर्थशास्त्रियों से अपना व्यूज लिया गया है कि आम बजट में कर्मचारियों को, किसानों को, अन्य आम जन को क्या क्या बजट में दिया जाए जिससे सभी भारत के आम जन खुश रहे। परंतु कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब बहुमत सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जब खासकर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने मना कर दिया था कि हमारे पास ओल्ड पेंशन बहाल करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, परंतु 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार नहीं बन पाई है, 400 पार नहीं हो पाई है, 240 पर ही सिमट कर रह गई है। अब कहना यह है क्या NDA गठबंधन की सरकार कर्मचारियों के इशारों पर चलेगी या फिर गठबंधन के बेसागी पर चलेगी। अब ओल्ड पेंशन की मैं बात करूं तो यहां पर कई जगहों से सूचना आ रही है, मीडिया से ले लीजिए चाहे आप न्यूज से ले लीजिए, कि ओल्ड पेंशन तो नहीं दी जा रही परंतु GPS कर्मचारियों को आम बजट में दी जा रही। अब GPS क्या है? गारंटेड पेंशन स्कीम। दोस्तों ये गारंटेड पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य में दी जा रही है जिसमें 50% आपको अंतिम महीना जो रिटायर होने से पहले उसकी आधी सैलरी आपको मिलेगी, परंतु उसके साथ में DA इंक्लूड नहीं होगा, वो गारंटेड पेंशन योजना है, स्कीम है। परंतु पुरानी ओल्ड पेंशन योजना में क्या था कि रिटायर होने से पहले की एक महीने की तनख्वाह की आधी दी जाती थी, हर 6 महीने के अंतराल पर DA की बढ़ोतरी के साथ में पेंशन की भी बढ़ोतरी होती थी। अब NPS में और ओल्ड पेंशन में GPS में बहुत ही अंतर है। NPS में केवल हमको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल हमारा पैसा यूज कहां हो रहा है उसका भी कोई पता नहीं, परंतु आम बजट में
ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। आम बजट में कर्मचारियों को यह तक कह दिया कि जीपीएस आपको मिलेगी, परंतु अभी जेसीएम की जो वित्त मंत्रालय ने जेसीएम की मीटिंग बुलाई है, अब जेसीएम की मीटिंग में 15 जुलाई को क्या होगा, क्या जेसीएम की मांग केवल ओल्ड पेंशन पर ही रहेगी या फिर सरकार की बात जेसीएम कमेटी को माननी पड़ेगी। अब जेसीएम कमेटी में कई मुद्दे, आठवां पे कमीशन, अब आठवां पे कमीशन 100% में कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों को इस बजट में आठवां पे कमीशन जरूर मिलेगा। उसके साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या शर्त के साथ में समझौता होता है वो भी देखने को मिलेगा आम बजट में। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर्मचारियों का जो संघर्ष है, जो अधिकार हक जरूर मिलेगा, आज नहीं, इस बजट में नहीं, आने वाले कहीं हर साल बजट आएंगे, परंतु संघर्ष कर्मचारियों का अगर संघर्ष और हक इस तरह से लड़ते जा रहे हैं तो जरूर आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप ओल्ड पेंशन मिले नहीं मिले इस बजट में, परंतु हमको ओल्ड पेंशन के लिए सरकार को हर बार जिताना होगा कि कर्मचारी हारे नहीं है, कर्मचारी होपलेस नहीं हुए हैं। कर्मचारी जब तक अपना हक अधिकार ओल्ड पेंशन के लिए नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको हूबहू ओल्ड पेंशन नहीं मिल जाती, चाहे सरकार लोभ लुभान कर्मचारियों के लिए कुछ भी करे। दोस्तों, बेरोजगारी की बात करूं तो रेलवे में, बैंकों में और कहीं केंद्र में, कई जगहों पर भर्तियां देखने को मिल सकती है। रेलवे में लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली है, जिसमें से अभी ग्रुप डी का, ग्रुप सी का बहुत ज्यादा पद खाली है, उससे सेफ्टी की सुरक्षा भी थोड़ी मचली हुई है। तो रेलवे में पद यहां पर भर्ती के देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा भर्ती हो सकती है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कर्मचारी हित कल्याण के लिए काम करते रहिए, ओल्ड पेंशन के लिए आप काम करते रहिए, जरूर मिलेगी। अर्थशास्त्रियों से मिलने का यही तात्पर्य लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि कर्मचारी भी खुश और सरकार भी खुश। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारियों का कहना था कि ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है, जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हिमाचल से लेकर कर्नाटक और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ओपीएस का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसका सियासी लाभ भी कांग्रेस को मिलता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है और पेंशन का समाधान निकालना उसकी मजबूरी हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी इसे लेकर, जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं, अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं, इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।